नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगी हेल्दी फूड खाकर अपना वजन कैसे बढ़ाया जाए। ये वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यूजफुल है। ये वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वजन कम होने के कारण, उसके लक्षण, वजन कम होने के कारण रिस्क फैक्टर, क्या खाने से वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ाने की टिप्स क्या है और हम क्या खाना खाते हैं और उसकी कैलोरी कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वजन बढ़ाने की चाबी बताऊं या की पॉइंट बताऊं तो वजन बढ़ाने के लिए मज्जा और मसल्स, ये दोनों को बैलेंस मात्रा में बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हेल्दी खाने के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको स्लोली वेट गेन करना है तो रोज की 300 से 500 कैलोरी ज्यादा लेनी है। अगर आपको जल्दी वेट गेन करना है तो 700 से 1000 कैलोरी रोज की ज्यादा लेनी है। अंडरवेट किसे कहते हैं? उसके लिए आपको अपना BMI कैलकुलेट करना होगा। BMI बॉडी मास इंडेक्स किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर। वजन को किलोग्राम में नापना है और हाइट को मीटर में नापना है और उसको डिवाइड करना है। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे है तो अंडरवेट है, 18.5 टू 24.9 तक है तो नॉर्मल या हेल्दी वेट होगा। अगर BMI 25 टू 29.9 है तो ओवरवेट होगा। अगर BMI 30 टू 34.9 के बीच में है तो ओबेस होगा। 35 या उससे भी ज्यादा है तो उसको एक्सट्रीम ओबेस बोल सकते हैं। अंडरवेट के सिम्टोम्स, हमेशा थका हुआ महसूस होना, बार बार बीमार हो जाना, फीमेल्स में इरेगुलर या लेट पीरियड, बालों का पतला होना या झड़ना, ड्राई स्किन्स या दांतों की समस्या। अंडरवेट के कारण बीमारी जैसे कि नोसिया या उल्टी होना या बार बार मोशन होने से वजन जल्दी नहीं बढ़ता। दूसरी बीमारियां जिससे भूख नहीं लगती जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी जिसे क्रोन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, अरुचि या सुधाना जैसे मेंटल डिसऑर्डर, थायराइड की बीमारी जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म से मेटाबॉलिज्म चयापचय बढ़ जाता है जिससे वजन कम होता है। सीलियाक डिसीज में ग्लूटेन वाला खुराक, गेहूं या गेहूं से बनी चीजें, राई, जौ, सूप, प्रोसेस्ड चीज, मायोनीज, फ्रेंच फ्राइज, केचप, पास्ता, बियर, केक, कुकीज, ब्रेड, पेस्ट्रीज टॉलरेट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को सीलियाक डिजीज होता है उनको पता भी नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज वालों को वजन कम होने की समस्या होती है। कैंसरस ट्यूमर में ज्यादातर कैलोरी बर्न हो जाती है जिससे वजन कम होता है। इन्फेक्शन जैसे कि परजीवी, पेरासाइट्स, TB, HIV में वजन कम होता है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता एंड ईटिंग डिसऑर्डर, खाने की बीमारी जैसे कि अरुचि, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, भस्मक रोग जिससे हमारी बॉडी और भूख पे असर होता है। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम, काम या एक्सरसाइज से ज्यादा मात्रा में कैलोरी बर्न हो जाती है जिससे वजन कम होता है। अगर चयापचय मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है तो हाई कैलोरीज वाला खाना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता। फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों का BMI नेचुरली कम होता है जो परंपरागत होता है। रिस्क, वजन कम होने से होने वाली समस्या, अगर आपका वजन कम है तो शस्त्रक्रिया में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत हेल्दी बोन्स, तंदुरुस्त हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिलती तो विकास ठीक नहीं होगा जिसे डॉक्टर फेलर ऑफ थ्री कहते हैं। इंटरनेशनल जर्नल प्रसूति एंड स्त्री रोग के अनुसार अगर प्रेग्नेंट लेडी को वजन कम है तो वक्त से पहले डिलीवरी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। उनकी डिलीवरी 37 वीक से पहले ही हो जाती है। अगर लेडी का वजन कम है तो उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, पहला पीरियड लेट आता है और वंध्यता जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिलने से हमेशा थकान महसूस होती है। पोषण पर्याप्त नहीं मिलने से विटामिन और खून की कमी, एनीमिया भी हो सकता है। अगर खाने से पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती तो इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है जिससे बार बार बीमारियां बढ़ जाती है। पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिले तो पतली चमड़ी, बाल झड़ना, ड्राई स्किन, दांतों की बीमारी
प्रक्रिया बढ़ जाती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का कमजोर होना जैसी बीमारियां हो सकती है। वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आप ज्यादा खाना एक साथ नहीं खा सकते तो पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाते रहिए, या फिर ज्यादा कैलोरी वाला खाना अपने खाने के अंदर ऐड कीजिए, जैसे कि सीरियल्स या योगर्ट के ऊपर बादाम डालकर, सलाद या सूप के ऊपर सनफ्लावर या चिया सीड्स डालकर, होल ग्रेन टोस्ट पर नट बटर ऐड करके कैलोरी बढ़ा सकते हैं। वजन कैसे बढ़ा सकते हैं? वजन उठाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल्स के ग्रोथ के लिए। दिन की नींद वजन बढ़ाने में ज़्यादा मदद करती है। स्मोकिंग करने वालों का वजन जल्दी नहीं बढ़ता, इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करें। रोज का कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना या लिक्विड लेना ज़रूरी है। खाने से पहले पानी ना पिए, क्योंकि उससे पेट भर जाएगा जिससे पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलेगी। खाना या लिक्विड ऐसा ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा फैट, नमक या शुगर है तो से अवॉइड कीजिए। हाई कैलोरी फूड से वजन बढ़ेगा, लेकिन उससे हार्ट और ब्लड वेसल्स पे असर होगा, इसलिए फोटो में दिखाए हुए खानों को अवॉइड कीजिए। ज्यादा प्रोटीन और होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स का नाश्ता वजन बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे कि प्रोटीन बार्स, चिक्की एंड ड्राई फ्रूट बार बार खाना चाहिए। आप सोने से पहले भी खा सकते हैं। प्रोटीन वाली चीजें और कैलोरी वाली चीजें पहले लीजिए, वेजिटेबल या सब्जी बाद में खाइए। बड़ी प्लेट भरकर खाना खाइए। प्रोटीन पाउडर जैसे कि वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, केलोजन, सोई प्रोटीन, पी प्रोटीन ब्लेंड वजन बढ़ाने में मदद करता है। अभी बात करते हैं क्या खाने से वजन बढ़ता है। ताहिनी जो तिल से बनता है उसमें 100 ग्राम में 595 कैलोरी, 100 ग्राम डार्क चॉकलेट में 510 कैलोरी, कोकोआ जिसमें से कोकोआ बटर और चॉकलेट बनती है 100 ग्राम कच्चे कोकोआ सीड्स में 228 कैलोरी होती है। नट्स बटर को अपने नाश्ते में ऐड कीजिए। 100 ग्राम नट्स बटर की कैलोरी बात करें तो ब्राजील नट्स में 656 कैलोरी, मिक्स्ड नट बटर में 694 कैलोरी, हेजल नट्स बटर में 628 कैलोरी, पीकेन बटर में 687 कैलोरी, आलमंड बटर में 614 कैलोरी, कैस्यू बटर में 587 कैलोरी, पीनट बटर में 588 कैलोरी, सनफ्लावर सीड्स बटर में 617 कैलोरी, मैकेडेमिया बटर में 718 कैलोरी, पिस्ताचिनो बटर में 632 कैलोरी। होल ग्रेन में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर और कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको अपने खाने में जरूर ऐड कीजिए। 100 ग्राम कच्चे ट्रिटी केल में 336 कैलोरी, कच्चे क्रिके में 352 कैलोरी, कच्चे फेरो में 338 कैलोरी, कच्चे कामुत में 337 कैलोरी, कच्चे बल्गर में 342 कैलोरी, रो हल्ड बार्ले जो में 354 कैलोरी, रो प्लेट बर्तनी जर्मनी का गेहूं में 338 कैलोरी, हेल्दी सीरियल्स जैसे कि 100 ग्राम ओट्स में 371 कैलोरी, व्हीट ब्रान में 216 कैलोरी, ग्रेनोला में 489-377 कैलोरी होती है, राजग्रा में 371 कैलोरी, कच्ची ज्वार में 339 कैलोरी, कच्चे बाजरे में 378 कैलोरी, कट्टू में 343 कैलोरी, कच्चे क्वीना में 368 कैलोरी होती है, होल ग्रेन ब्रेड में 247 कैलोरी, कॉर्न टॉर्टिला में 218 कैलोरी, वॉल व्हीट पास्ता में 149 कैलोरी होती है। होममेड चपाती 30 ग्राम बिना ऑयल के जिसमें 109 कैलोरी होती है। मल्टीग्रेन चपाती बनाने के लिए वॉल व्हीट 2 किलो, सोयाबीन 50 ग्राम, रागी 50 ग्राम, चने की दाल 100 ग्राम, ओट्स 100 ग्राम, मकई 100 ग्राम को मिक्स करके आटा पिसवाना है जो एकदम बारीक ना हो, जिसमें से 30 ग्राम की चपाती बनानी है। 100 ग्राम कुक्ड राइस में रेड चावल में 189 कैलोरी, ब्राउन राइस में 111 कैलोरी, ब्लैक राइस में 335 कैलोरी, व्हाइट राइस में 130 कैलोरी होती है। हाई प्रोटीन डाइट से वजन बढ़ने में मदद मिलती है। हाई प्रोटीन अंकुर वाले कड़धान्य और दाल में ज्यादा मात्रा में होता है। 100 ग्राम स्प्राउट में मूंग में 30 कैलोरी, गेहूं में 198 कैलोरी, चने में 164 कैलोरी, राजमा में 29 कैलोरी होती है। अंकुर वाले उड़द या रागी भी
आप ले सकते हैं। अंकुर वाले छोले में 165 कैलोरी, हरे मटर में 124 कैलोरी, मटकी में 40 कैलोरी, चोली में 154 कैलोरी होती है। 100 ग्राम दाल में, उड़द दाल में 341 कैलोरी, चने की दाल में 378 कैलोरी, बिना छिलके की मूंग की दाल में 348 कैलोरी, छिलके वाली मूंग की दाल में 347 कैलोरी, मसूर की दाल में 332 कैलोरी, तुवेर की दाल में 343 कैलोरी होती है। 100 ग्राम छोले में 364 कैलोरी, चोली में 343 कैलोरी, राजमा में 333 कैलोरी, चने में 364 कैलोरी, मटकी में 343 कैलोरी, मूंग में 347 कैलोरी, उड़द में 364 कैलोरी होती है। 100 ग्राम टोफू में 88 कैलोरी, 100 ml सोया मिल्क में 54 कैलोरी, 100 ग्राम कुक्ड टेम्पेह में 193 कैलोरी, 100 ग्राम सीरियल बार में 370 कैलोरी, 100 ml कोकोनट मिल्क में 171 कैलोरी होती है। वजन बढ़ाने के लिए 100 ग्राम फल या सब्जी में बिना नमक की पकी हुई मकई में 86 कैलोरी, पके हुए छिलके वाले आलू में 103 कैलोरी, बिना छिलके के और पके हुए शक्करकंद में 76 कैलोरी, बिना छिलके के कच्चे गाजर में 35 कैलोरी, बिना नमक के बिना पानी के पकी हुई पालक में 23 कैलोरी, पके हुए बटरनट स्क्वाश में 40 कैलोरी, बिना पानी बिना नमक के पके हुए मशरूम में 28 कैलोरी, उबले हुए अस्पारगस में 22 कैलोरी, पके हुए बिना पानी बिना नमक की ब्रोकली में 35 कैलोरी, कच्ची प्याज में 40 कैलोरी, छिलके के साथ उबली हुई जुकीनी में 17 कैलोरी, छिलके के साथ कच्ची ककड़ी में 15 कैलोरी होती है। 100 ग्राम पके हुए लाइमा बीन्स में 114 कैलोरी, बाफला की बली में 122 कैलोरी, मटर में 84 कैलोरी, फ्रोजन कुक्ड ब्रुसेला स्प्राउट उबले हुए बिना पानी के बिना नमक के जिसमें 42 कैलोरी होते हैं, पके हुए कैंड ओलिव में 145 कैलोरी होती है। गर्मी के स्क्वेश सब वेराइटी पके हुए बिना पानी बिना नमक के जिसमें 20 कैलोरी होते हैं, पके हुए बिना पानी के फूल गोभी में 23 कैलोरी, कच्ची कोबेज में 25 कैलोरी, कच्ची अजवायन के पत्ते सेलरी में 16 कैलोरी, लाल कच्ची कैप्सिकम में 31 कैलोरी, ग्रीन कच्ची कैप्सिकम में 20 कैलोरी, येलो कच्ची कैप्सिकम में 26 कैलोरी, ऑरेंज कच्ची कैप्सिकम में 26 कैलोरी होती है। हेल्दी फैट्स और ऑयल में कैलोरी ज्यादा होती है। अगर आप 15 ml ऑयल सॉस सलाद या कुकिंग में ऐड करते हो तो अराउंड 135 कैलोरी बढ़ जाती है। 100 ml कैनोला ऑयल में 884 कैलोरी, 100 ग्राम पीनट ऑयल में 884 कैलोरी, 100 ग्राम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में 884 कैलोरी, 100 ग्राम अवोकाडो ऑयल में 819 कैलोरी, 100 ग्राम सनफ्लावर ऑयल में 884 कैलोरी होती है। सीड्स भी हेल्दी होते हैं, उसमें भी कैलोरी ज्यादा होती है। 10 ग्राम सीड्स में अराउंड 50 कैलोरी होती है। डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम और विटामिन डी ज्यादा होता है। वजन बढ़ाने के लिए हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट को खाने में उपयोग करें। 100 ग्राम वोल मिल्क में 64 कैलोरी, 100 ग्राम फुल फैट योगर्ट में 61 कैलोरी, फुल फैट बटर में 717 कैलोरी, चीज में 343 कैलोरी, फुल फैट क्रीम में 345 कैलोरी होती है। प्रोटीन शेक से वजन बढ़ाने में ज्यादा मदद मिलती है। मैंने एक वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रोटीन शेक कैलोरीज और रेसिपी के साथ शेयर किए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सूखा मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा कैलोरी होती है, जिसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके अपने खाने में जरूर यूज कीजिए। आप देख सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ड्राई फ्रूट 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 550 कैलोरी होती है, जिसमें बादाम, मैकेडेमिया नट्स, काजू, पीनट्स, पाइन नट्स, ब्राजील नट्स, पीकेन, अखरोट, खजूर, सूखा आलू बुखारा, पिस्ता, सूखी अखरोट, किशमिश, अंजीर का समावेश होता है। वजन बढ़ाने वाले फल में 100 ग्राम रास्पबेरी में 53 कैलोरी, स्ट्रॉबेरी में 32 कैलोरी, अवोकाडो में 160 कैलोरी, ब्लैकबेरी में 43 कैलोरी, ब्लूबेरी में 57 कैलोरी, चीकू में 83 कैलोरी, अंजीर में 74 कैलोरी, नारियल में 354 कैलोरी, पीच में 39 कैलोरी, खरबूजे में 34 कैलोरी, ग्रीन ओलिव में 145 कैलोरी, ब्लैक ओलिव में 115 कैलोरी, ऑरेंज संतरे में 47 कैलोरी, पाइनएप्पल में 49 कैलोरी होती है। पक्के आम में 60 कैलोरी, केले में 89 कैलोरी, अंगूर में 69 कैलोरी, कच्चे कृष्ण फल में 97 कैलोरी, तरबूज में 30 कैलोरी, कच्चे पनस में 95 कैलोरी होती है। ये सारी चीजों से वजन
वजन बढ़ता है, याद रखें कम कैलोरी वाली चीज़ें भी ज़्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।